तो है गाइज, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। और आप जैसे कि देख सकते हो कि हमारे चैनल में 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो इसी बात में मैं सोच रहा था कि इस चीज़ को मैं कैसे सेलिब्रेट करूं। और सिंस कि ये हमारा यूट्यूब चैनल है जहां हम सुपर हीरोज को लेकर भी बात करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक सुपर हीरो कॉमिक बुक स्टोरी को शुरू किया जाए। तो है गाइज, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पाइडरमैन का एक न्यू कॉमिक सीरीज। न्यू नहीं, बहुत पहले ही रिलीज हो चुका है, लेकिन अभी मैंने कोई भी यूट्यूब चैनल में मैंने इसे नहीं देखा है, तो मैंने इसको शुरू करने के बारे में सोचा है। वैसे ये सीरीज सुपीरियर स्पाइडरमैन के स्टोरी लाइन के बाद में सेट होता है, यानी कि सुपीरियर स्पाइडरमैन के आखिरी इश्यूज में, जैसा कि आपने देखा था कि डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर को अपनी शरीर वापस दे देता है। तो अगर आपने सुपीरियर स्पाइडरमैन के स्टोरी लाइन को नहीं पढ़ा है या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल में उसे नहीं देखा है, तो आप कॉमिक वर्स और भी कुछ ऐसे ही यूट्यूब चैनल्स में आपको मिल जाएंगे वो वीडियोस, पहले उस सीरीज़ को देख लो तो आपको ये सीरीज़ देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वीडियो को शुरू करने के पहले मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो पास पर उस बेल को भी ऑल पे सेट कर दो। तो चलो और ज़्यादा बकबक ना करके शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो कहानी शुरू होता है 13 साल पहले से, जहाँ एक लैब में एक स्पाइडर रेडियोएक्टिव रेस से इन्फेक्ट हो गया था, और इसके वजह से वो और बस कुछ ही सेकंड का मेहमान था। और मरने के पहले वो अपने करीबी जो सबसे ज़्यादा जिंदा चीज़ था उसे काट लिया, और वो था पीटर पार्कर। उस टाइम वो स्पाइडर रेडियोएक्टिव होने की वजह से वो जल रहा था, और इसको देखकर पीटर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वैसे ये सब तो आप लोग जानते ही हो, लेकिन वहाँ कुछ और भी एक चीज़ हुआ था जो आप लोगों को जानना चाहिए था। वो स्पाइडर पीटर को काटने के बाद मरने से पहले एक और लड़की को भी काट लिया था, और ऐसे ही मरने के कुछ सेकंड्स के पहले उसने इतना कुछ कर लिया। तो आप कहानी शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ एक लड़की कुछ फेवर एक्स को लेकर भाग रही होती है। और आपको तो पता ही है कि ये फेवर एक्स रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये लड़की और वो उसका टीम यही एक्स को लेकर भाग रहा होता है म्यूजियम से, और इसके वजह से भीड़ में लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं, और वही एक बच्चा एक और बच्चे को लेकर गिर ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर स्पाइडरमैन जाल मार के उसे बचा लेता है। स्पाइडरमैन को देखकर वो लड़की कहती है, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम अभी भी मेरे पीछे हो, मैंने कई महीनों से इसकी प्लानिंग की है और तुम ये सब एक दिन में खराब नहीं कर सकते। लेकिन तभी स्पाइडी उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे वो एक्स गिरने ही वाला होता है, लेकिन गिरने से पहले वो वेब मार के उन्हें रोक लेता है, और वहाँ के लोगों को कहता है, 1 घंटे के अंदर अगर तुम लोगों ने इन एक्स को नहीं लिया यहाँ से तो ये दुनिया के सबसे ज्यादा महंगे ऑमलेट बन जाएंगे। स्पाइडरमैन को मजाक करते हुए देखकर वहाँ के लोग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है कि सुपीरियर स्पाइडरमैन जब था इसके पहले, तब वो बिल्कुल भी मजाक नहीं किया करता था। इसके बाद उस लड़की के एक टीममेट जो हिप्पो है, वो आता है स्पाइडी को एक कार फेंक के मारता है, और उसे डॉच करते हुए स्पाइडी एक एलिवेटर के ऊपर जाके गिरता है और कहता है, ये इतना भी बुरा नहीं था, या फिर ये सच में काफ़ी ज़्यादा बुरा था। क्योंकि इसके बाद हमें स्पाइडी का फुल लुक दिखाया जाता है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ सूट के नाम पे मास्क और वेब से बना हुआ एक अंडरवेयर पहना हुआ था। इसके बाद हमें 4 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पीटर प्रेस वालों को अपना इंटरव्यू दे रहा था, या बेसिकली वो सुपीरियर स्पाइडरमैन के आखिर में जो बैटल हुआ था उसके बारे में बात करते हुए कहता है, मैं इस बात को मेक श्योर करता हूँ कि यह मैं और मेरे कंपनी के सारे एम्प्लॉयज पूरी तरह से ठीक है। और इसके बाद एक रिपोर्टर जिसका नाम नताली लॉन्ग है, वो कहती है, क्या यह सब आपके और स्पाइडरमैन के कनेक्शन की वजह से हुआ था? पीटर उसे जवाब देते हुए कहता है, हाँ ऐसा ही, लेकिन इसके बाद से पीटर और स्पाइडरमैन के साथ और काम नहीं करेगा, और अब से स्पाइडरमैन को स्पाइडरमैन का टेक खुद ही बनाना पड़ेगा। तो थोड़ी देर बाद वो प्रेस वाले चले जाते हैं, और जे और उसकी वाइफ पीटर से अचानक गायब हो जाने के बारे में बात करता है, और तब पीटर उन्हें भी प्रॉमिस करता है कि अब से बिजनेस ही उसके लिए टॉप प्रायोरिटी रहेगा। लेकिन स्पाइडरमैन मनी मैन में सोच रहा होता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस ने उसके लाइफ में जो बदलाव आया है, लेकिन ये देखकर वो खुश भी होता है कि डॉक ऑक ने आंत में के लिए एक टेक क्रिएट किया है जिससे वो आसानी से चल सकते हैं बिना लकड़ी के, और वो ये भी सोचता है
कि यही शायद उसके लिए लास्ट सरप्राइज होगा जो डॉक ऑक ने उसके लिए छोड़ के गया है। लेकिन पीटर को पूरी तरह से गलत साबित करते हुए दिखाया जाता है दूसरे तरफ पीटर के घर पे एना मारिया को, जो पीटर के घर पे आके पीटर को ढूंढ रही होती है। और जब उसे पीटर घर पे नहीं मिलता है तब वो पार्कर इंडस्ट्रीज में फ़ोन करता है और उससे उसे पता चलता है कि पीटर वहीं पर है। और उसके बाद वो वहाँ जाने के लिए अपने कार की चाबी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे वहाँ पर एक रिंग मिलता है जो पीटर ने वहाँ पर रखा था। इसके बाद हमें पिछले रात के ग्रीन गोब्लिन के अटैक के बारे में कुछ रिपोर्ट्स दिखाया जाता है और वो लोग ये भी कहते हैं कि सिक्योरिटी कैमरा में इलेक्ट्रो को देखा गया है लोगों को अटैक करते हुए। और एवेंजर्स और पुलिस फोर्स के ऊपर मेयर जेम्सन के रोबोट्स के हमले को भी उस कैमरा में ही पकड़ा जा चुका है। और थोड़ी देर बाद टीवी में भी ये बात दिखाया जा रहा होता है कि मेयर जेम्सन रिजाइन दे चुका है। उसको सुनता है तब वो गुस्से में आके अपने बोतल से अपने टीवी को ही तोड़ देता है। लेकिन तभी उसे डेली बुगल के बारे में याद आता है कि वो वहाँ पर जाके काम कर सकता है। लेकिन वो जब रेडियो के घर से निकल रही होता है तब उसे डेली बुगल का ही एक न्यूज़पेपर मिलता है जहाँ पर उसके ही रिजाइन के बारे में न्यूज़ छपा हुआ है एकदम फ्रंट पेज में। दूसरी तरफ जे का वाइफ पीटर को साइबरनेटिक और नैनोटेक के बारे में समझा रही होती है, लेकिन पीटर को घंटा समझ नहीं आता क्योंकि वो साइबरनेटिक्स का मास्टर बिल्कुल भी नहीं है। वो तो डॉक्टर ऑक्टोपस था जिसने उसके बिजनेस में ये सब लाया था। तो पीटर तब और कोई रास्ता ना देखकर वहाँ पड़े कुछ एम्प्लॉयज को रात के अंदर ब्लूप्रिंट्स को प्रिंट करके देने के लिए कहता है। और वहाँ एम्प्लॉयज पीटर को उनके साथ बात करते हुए देखकर घबरा जाते हैं और पीटर कहता है क्या ये लोग मुझसे डर रहे हैं। लेकिन जे का वाइफ बोलता है कि इसमें गलत क्या है। तो वो लेडी अब कहती है मुझे और ज़्यादा परेशान मत करो और वैसे भी तुम्हें अब काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करना है तो जल्दी से लैब में चलो। पीटर कहता है मेरा एक लैब भी है। तो वो लेडी कहती है हाँ अब ये सब पूछना मुझे बंद करो और जल्दी से चलो, अब तुम्हें स्पाइडरमैन रिलेटेड सारे प्रोजेक्ट्स को फेंकना है। और वैसे भी तुम्हें तो कहा था हम सारे स्पाइडरमैन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को बंद करने वाले हैं और हमारे साथ अब और स्पाइडरमैन का कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। वैसे चिंता मत करो तुम्हारा रोबोट बटलर ये काम कर देगा तुम्हारे लिए। पीटर इसे देखकर कहता है मेरे पास एक रोबोट बटलर भी है। ये सुनकर वो लेडी कहती है सीरियसली तुम अब मुझसे ये सब पूछने वाले हो। तो अब पीटर देखता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे स्पाइडरमैन सूट्स है। इन्हें देखकर पीटर कहता है क्या इन सभी को फेंकना पड़ेगा। तो वो लेडी कहती है हाँ सब कुछ, हम ये जगह पूरी तरह से स्पाइडर फ्री करने वाले हैं, याद है ना तुम्हें। ये बोलकर वो लेडी वहाँ से चले जाने लगती है। तब वो रोबोट कहता है क्या मैं आपका कुछ हेल्प कर सकता हूँ डॉक्टर। पीटर कहता है हाँ लेकिन तुम मुझे पहले डॉक्टर कहना बंद करो। लेकिन तभी पीटर नोटिस करता है कि डॉक ऑक ने उसके शरीर में रहकर PhD भी कंप्लीट कर लिया है, तो अब वो एक डॉक्टर ही है। इसके बाद पीटर वहाँ से एक क्लासिक स्पाइडरमैन का सूट उतारता है और निकल जाता है न्यूयॉर्क के गलियों में स्विंग करने के लिए। तो अब स्पाइडरमैन स्विंग करते करते सोचता है यही वो चीज़ है जिसका मतलब स्पाइडरमैन बनना होता है। न्यूयॉर्क के आसमान में स्विंग करते करते पेट्रोलिंग करना, इससे मुझे हर समय एक मौका मिलता है अच्छे के लिए लड़ते रहने का। मैंने इस चीज़ को काफ़ी टाइम से मिस किया है और मैं इस बात को शेयर करना चाहता हूँ कि अब दोबारा मेरे साथ ऐसा ना हो। तभी एक आदमी स्पाइडरमैन को देखकर कहता है हे ये तो स्पाइडरमैन है। स्पाइडरमैन इसके रिप्लाई में कहता है हाँ मैं ही हूँ तुम्हारा फ्रेंडली नेबरहुड। लेकिन तभी एक और आदमी कहता है निकल जाए यहाँ से भूतनी के। बेसिकली ऐसे ही स्पाइडरमैन उसके साथ क्या क्या हुआ है डॉक्टर ऑक्टोपस की वजह से वो सब सोच रहा है। और तभी पास से एक इमरजेंसी बेल बजने लगता है और इस बेल की आवाज़ को सुनकर स्पाइडरमैन वहीं पर जाने के लगता है। तो ये बेल बेसिकली बजा था उन लोगों के लिए जिन्होंने तुमने देखा था ना फर्स्ट पार्ट में जो लोग अंधे लेकर भाग रहे थे उन्हीं के टीम के लिए, तो ये प्रेजेंट टाइम है। तो वो सब लड़की यहाँ से भाग रही होती है और वो रैबिट वाली लड़की कहती है स्कोर जैसा हमने प्लान किया था हिप्पो पांडा मैंने हमें गार्ड करो। लेकिन तभी वहाँ पर स्पाइडरमैन आ जाता है और स्पाइडरमैन को देखकर वो रैबिट वाली लड़की कहती है गिव सी माउथ अब मुझे तुम्हारी भी ज़रूरत है, तुम स्पाइडरमैन के साथ वो करो जो तुम कर सकते हो। और तभी वो गिव सी माउथ नाम की जो लड़की है वो अपना पावर यूज़ करती है और स्पाइडरमैन के कपड़ों को उतारने लगती है और वो कहती है कि मेरे पावर से यह है कि मैं फैब्रिक्स को कंट्रोल कर सकता हूँ तुम्हारे सूट के फैब्रिक्स को भी। स्पाइडरमैन इसे देखकर कहता है ओ ये सब ठीक नहीं है। लेकिन तब तक स्पाइडरमैन का पूरा कपड़ा उतर चुका है। ओ भाई खस मेरे पास ये पावर होता। लेकिन इतना सब होने के बाद भी स्पाइडरमैन किसी तरह से उसे नॉकआउट कर देता है मार के। और स्पाइडरमैन को बिना कपड़ों के देखकर सारा मीडिया उसके ऊपर टूट पड़ता है और स्पाइडरमैन कहता है नहीं नहीं इसे रिकॉर्ड मत करो
लेकिन रिपोर्टर को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता इससे। और ये सारे न्यूज़ कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स के हेडक्वार्टर से देख रहा होता है, और उसके पास जेसिका ड्रू यानी कि स्पाइडर वुमन भी रहती है। स्पाइडर वुमन इस चीज़ को देखकर कैप्टन अमेरिका को कहती है, अब मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि ये पीटर पार्कर ही है और ये पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका है अब। कैप्टन अमेरिका इसे सुनकर कहती है, तुम इतना श्योर कैसे हो सकते हो? स्पाइडर वुमन इसके रिप्लाई में कहता है, ऐसे अजीब चीजें बस पार्कर के साथ ही हो सकता है। वैसे इस न्यूज को सिर्फ कैप्टन अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख रही है और स्पाइडर वुमन के ऊपर हंस रहा है। और दूर कहीं एक पार्क में बैठकर मैरी जेन भी इस वीडियो को अपने लैपटॉप में देखता है और कहता है, इडियट कहीं के। इसके बाद हमें फिर से स्पाइडर वुमन का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्पाइडर वुमन पांडा को पकड़ रहा होता है, और वहीं पर पब्लिक में एक लड़की कहती है कि एक आधा नंगा आदमी एक लड़की को पकड़ रहा है, क्या बच्चों के सामने ये सब दिखाना ठीक है? और पास में ही एक आदमी कहते हुए जाता है कि तुम्हें क्या लग रहा है, कोई इस चीज़ को देख भी रहा है? इसके बाद स्पाइडरमैन उस लड़की को पकड़ तो लेता है, लेकिन पीछे ही एक बूढ़ी ग्रैंडमा स्पाइडरमैन को कहता है कि ये सब ठीक नहीं है, तुम्हें कोई कपड़ा पहन लेना चाहिए। तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि स्पाइडरमैन के कपड़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। तो स्पाइडरमैन अब घर जाते हुए सोचता है कि आज का दिन ना ही ज़्यादा अच्छा था और ना ही ज़्यादा बुरा था, लेकिन जो भी हो यह दिन मेरा था, मैं अपने शरीर में था। और वो ऐसे ही सोचते सोचते अपने अपार्टमेंट में जाता है और सोचता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस को उसे थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस की वजह से आज पीटर डॉक्टर पीटर पार्कर है, और इसी वजह से वो पार्कर इंडस्ट्रीज का ओनर भी बन चुका है और उसके पास काफ़ी सारे एम्प्लॉयज और अपना खुद का एक कंपनी भी है। और वह सोचता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस की वजह से ही मेरा लाइफ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। और ये सब सोचते सोचते ही वो अपना ड्रेस चेंज करने लगता है, और ड्रेस चेंज करने के बाद ही उसका ख्याल पड़ता है एना मारिया मार्कोनी के तरफ, जो वहीं पर बैठी हुई होती है। तो मारिया अब कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है, लेकिन पीटर मन में सोचता है कि क्या हम एक साथ रहते हैं? इसके बाद पीटर घबराते हुए कहता है, ओ एना, मुझे पता है कि तुम्हें अजीब लग रहा है कि मैं अचानक से कैसे बेडरूम में था और इतने समय मैं बेडरूम में क्या कर रहा था, तो और तुमने शायद मुझे तक कभी भी फ्रंट डोर से अंदर घुसते भी नहीं देखा। तो लेकिन एना उसके बात को काटते हुए कहती है कि तुम मुझे और कोई सवाल करो, उसके पहले तुम मेरे सवाल का आंसर दो। आज तुम्हें यह बात क्लियर करना ही होगा कि तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम ही स्पाइडरमैन हो। लेकिन पीटर कहता है, मैं नहीं हूँ स्पाइडरमैन, देखो इसका मास्क अभी भी इसके मुँह पर ही है, तो तुम कैसे बता सकते हो कि ये मैं ही हूँ स्पाइडरमैन, ये कोई और भी तो हो सकता है। तो एना आंसर में कहती है कि इसके नाभि के नीचे तीन छोटे छोटे निशान हैं जो ठीक तुम्हारे जैसे ही है। लेकिन पीटर कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो मेरे तरह ही है? लेकिन एना कहता है कि जब उसके कपड़े उससे हट गए थे तभी उसे पता चल गया था इस बारे में। इसे सुनने के बाद पीटर कहता है, ओह तो हमने, तो एना उसके बात को काटते हुए कहता है, हाँ हमने एक दूसरे का हर एक ऐसे निशान देख चुके हैं, तो अब तुम और कहना क्या चाहते हो स्पाइडी? और ये बात सुनकर पीटर का बड़बोलापन एकदम बंद हो जाता है। वैसे इस पेज से हमें यह तो पता चल ही गया कि डॉक्टर ऑक्टोपस ने पीटर के शरीर में रहकर कम मजे नहीं लूते हैं। वैसे गाइस ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने चाहते हो मेरे चैनल में, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो में 20 लाइक्स का टारगेट है, तो उसको पूरा करवा दो, तभी इसका नेक्स्ट पार्ट आ पाएगा। और गाइज अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में से किसी भी जगह पर फॉलो नहीं किया है तो जल्द से जाकर फॉलो कर दो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे और भी कई सारे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो।